नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के स्कूलों में आज फिर से शुरू हुई पहली से तीसरी की कक्षाएं। अभिभावकों की लिखित अनुमति के साथ बच्चे पहुंचे स्कूल। इसके साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। इन कक्षाओं में विद्यार्थियों को भी रोजाना 50% तक रोटेशन से ही स्कूल में बुलाया जाएगा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच हरियाणा में आज 6.5 महीने के बाद पहली और तीसरी कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए भी स्कूल खोल दिए गए। बाकी कक्षाओं में बच्चों की तरह पहली ही और तीसरी कक्षाओं के स्टूडेंट आज स्कूल भी पहुंचे। प्रदेश सरकार ने पहले 9वीं और 12वीं की तथा 6ठी और 8वीं कक्षा की, फिर 4थी से 5वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन आज से 1ली से 12वीं तक की सभी कक्षाओं के साथ स्कूल में स्टूडेंट पहुँच पाएंगे। रोजाना 50% तक रोटेशन के साथ बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा ताकि संक्रमण फैलने का कोई खतरा न रहे। विभाग की ओर से जारी सभी प्रकार के कोविड नियमों की पालना स्कूल में सुनिश्चित करवाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि छोटे बच्चों में संक्रमण फैलने का खतरा ना के बराबर रहे। इसी को देखते हुए स्कूलों में थर्मल स्कैनिंग के बाद ही बच्चों को एंट्री दी जाती है। बच्चों के स्कूल में आने वाले विद्यार्थियों को अपने माता पिता से लिखित रूप में अनुमति पत्र के साथ में लेकर के आना होता है। वहीं एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल नीरू सैनी ने बताया कि कोरोना संक्रमण से संबंधित सभी नियमों की पालना स्कूल में ही करवाई जा रही है। 1ली से 3री कक्षाएं आज से स्कूल शुरू हो चुके हैं। छोटे बच्चों की कक्षाएं भी शुरू होने से पहले अभिभावकों से स्कूल में विजिट करवाई जाती है ताकि बच्चों की सुरक्षा को लेकर के किसी तरह की शंका परिजनों को न रहे। स्कूल में असेंबली नहीं की गई, लंच ब्रेक भी बच्चों के लिए नहीं होगा। विद्यार्थियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सभी बच्चों की थर्मल स्कैनिंग के बाद ही स्कूल में एंट्री दी जाएगी। वहीं अभिभावकों ने कहा कि हमने स्कूल में बच्चों को छोड़ने से पहले विजिट किया है और सभी तरह की तैयारी देखने के बाद ही अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजा है। कोरोना के असर पर अब काफ़ी कम है और लंबे समय तक बच्चे पढ़ाई से दूर रहे हैं, इसलिए बच्चों को स्कूल भेजना बेहद ज़रूरी है। स्कूल में मैकेनिज्म से ही हम संतुष्ट हैं और बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से रखने के लिए स्कूल खोलना भी जरूरी है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट राजेश भांबू के साथ। सर, हमने अपने स्कूल की 1st to 3rd क्लास ओपन के लिए अच्छी से तैयारी कर ली है। सभी बेंचेज को, सभी क्लासरूम को हमने सैनिटाइजर करवाया गया है। पेरेंट्स से इसके लिए हमारे पास विजिट के लिए भी आए थे कि स्कूल चेक करने के लिए कि क्या सभी तैयारियां हो चुकी हैं। कोरोना काल को देखते हुए हमने अच्छी से तैयारी कर ली है और मैं इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए कि क्या काफ़ी टाइम उनका जो बीच में खाली जा चुका था, उन्होंने उसके एजुकेशन को देखते हुए ओपन किया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो ये तैयारियों में क्या आप प्रॉपर तरीके से बच्चों को बैठा पाएंगे सही तरीके से? जी सर, इसके लिए हम प्रॉपर तरीके से 1 बेंच पे 1 स्टूडेंट ही रहेगा, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाएगा, लंच ब्रेक नहीं होगा बेबी के लिए और सभी को जैसे मॉर्निंग के अंदर आते हैं असेंबली भी हम लोग नहीं करवा रहे हैं, उसके लिए हम उनके लिए सैनिटाइजर का भी हमने प्रबंध कर लिया गया। सर, मुझे तो सही लगा है। मैंने पहले कुछ टाइम पहले मैंने आके देखा था, स्कूल में जांच की थी कि यहाँ सही नियम का पालन किया जा रहा है, स्कूल में सैनिटाइजर वगैरह डिस्टेंस क्लासेज में डिस्टेंस से बिठाया जा रहा है बच्चों को, और प्रिंसिपल से भी मैंने बात की थी कि यहाँ के यहाँ नियमों का अच्छे से पालन किया जा रहा है, आप बच्चों को भेजें, मतलब यहाँ अच्छे से नियमों का पालन किया जा रहा है स्कूल में। सर, ऐसा है, हर प्रदेश में कोरोना वायरस पहले फैला हुआ था लेकिन अब सुनने में नहीं आ रहा कि कोरोना बहुत कम हो चुका है, लेकिन बहुत टाइम हो गया बच्चों को स्कूल जाते घर बैठे, बिल्कुल ही बच्चे अनटच हो गए हैं स्टडी से, तो इसलिए हम अपने बच्चों को अच्छी तरह मास्क लगा के सैनिटाइजर करवा के ही स्कूल में भेजेंगे और अच्छे से नियमों का पालन करेंगे। सबसे पहले सरकार ने 9 to 12 के लिए स्कूल खोले थे, उसके बाद 6 to 12 के लिए आया, फिर 4th-5th का आया और आज से 1st से लेकर 12th तक का जो दिशा निर्देश है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से जारी किए जा सकते हैं। सर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से कितने आप अभी स्कूल में बुलाते हो और कैसे बुलाते हो? अभी 50% जो स्ट्रेंथ है वो रोटेशन में स्कूल में आनी स्टार्ट हो गई है, तो इसके अकॉर्डिंग अभी जब तक नॉर्मलसी नहीं आ जाती है सरकार के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग, हम 50% संख्या के साथ स्कूल की जो व्यवस्था है हमने कायम की है। सरकार की तरफ से सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का यूज करना है,
डिजिटल टेम्परेचर बच्चों का नोट करना है, हैंड सैनिटाइजेशन के लिए बच्चों को बार बार बताना है और उसका पालन करवाना है, और इन सब बातों का प्रॉपर तरीके से स्कूल में हमारे स्टाफ की तरफ से वो को भी इन चीज़ों का पालन करवाया जा रहा है। बच्चे भी बहुत अवेयर हैं, पेरेंट्स भी अवेयर हैं। आपने देखा कि सुबह बच्चे मास्क लगा के ही आए और उन सभी अभिभावकों के भी और बच्चों के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं कि उनका स्कूल आज से शुरू हो रहा है। सरकार के दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग ये व्यवस्था थी कि पेरेंट्स से एक सहमति पत्र ले लिया जाए, जो कि हमने हमारे ग्रुप्स के एक मैसेज डाल के और अभिभावकों से लिखित में ये मैसेज लेके हमने फिर स्कूल स्टार्ट किया। हमने एक स्पेशल स्टाफ की टीम बना के इस चीज़ का गठन किया है कि जो छोटे बच्चे हैं जिनको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हालांकि जैसा मीडिया में और सरकार की तरफ से निर्देशों में बताया गया है, बच्चे बहुत कुछ जान गए हैं, उनको पता भी है इन चीज़ों का और वो सब चीज़ें अच्छे से फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा स्टाफ सारा दिन बच्चों के साथ रह के इन चीज़ों का, दिशा निर्देशों का पालन करवाने की कोशिश करेगा कि जो कि सरकार की गाइडलाइन आए हैं उनके हम खरा उतर सकें और आगे कभी भी ऐसी महामारी दोबारा से हमारे देश में ना आ पाए।